सरपंच संघ द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्री ज्ञापन पत्र सौंपा गया। पंचायत को बजट जारी करने को लेकर दिया ये ज्ञापन। 18 जुलाई तक अगर मांगे नहीं मानी तो विधानसभा पर सरपंच करेंगे घेराव। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए AIRF के आह्वान पर पूरे भारत वर्ष में विरोध प्रदर्शन। जोधपुर नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लाई यूनियन जोधपुर के जोनल अध्यक्ष मंडल सचिव मनोज कुमार परिवार व मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास के नेतृत्व में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नई पेंशन स्कीम के विरोध में किया गया विरोध प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे रणकपुर एक्सप्रेस पर जोर शोर से नारे लगाते हुए किया प्रदर्शन। MBM विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित दीक्षांत समारोह में 19 जनों को गोल्ड मेडल, 11 को PhD की डिग्री दी गई। ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी डिग्रियां प्रदान की गई। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में नवनिर्मित संविधान पार्क का राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया लोकार्पण। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे मौजूद। CP बोले, किरोड़ी को कोई नाराजगी नहीं पार्टी के संपर्क में। कहा, सदन में दलित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को PCC चीफ डोटासरा दबाव बढ़ाने का काम करते हैं।